guys, waiting for some more. I connected. Hello everyone. I think my Instagram is not working. Guys, wait for a couple of minutes. Then, before you starting the session, I'm very much excited. Hi Pankaj Gulati, hi Gurvinder, hello Isha, hi, hope you all are doing good. I hope my Insta is also working now, I think so. Hello everyone, hope you all are doing good. So now today we will talk about, definitely not about corona, because already ही corona की वजह से बहुत सारी negativity हमारे universe में, हमारे world में आ चुकी है. So we will talk about some beauty tips, we will talk about some makeup, we will talk about some glamour today. Hello Paminder sir, hello Samriti ma'am, hi, hello everyone. I'm waiting, little more are joining. So guys, let's start. As you know, my name is Neha Aluwalia and I am a beauty expert, I am a makeup artist and a fitness freak person. Currently I am running my own studio in Kurukshetra, the name Lash Lounge by Neha Aluwalia. So today we will talk about the makeup and the beauty tips. In this session, I am your host and you are spending upcoming 1 hour with me. Fine. So if you have any questions regarding makeup or any beauty tips, you can let me know. I will sort it out all there in this live session. So let's start. Today we will start with the first thing, that is skin, then beauty, and then makeup. Then let me know you first thing ki I am also a member of Mrs. Punjab. I won two titles. I am Mrs. Ambala 2018 and I am Face of Punjab 2018. So Mrs. Punjab is my family. Hi Sarbjeet, how are you? Hope you are doing good. So let's start with the first topic, that is skin. कि हम इस क्वारंटाइन के दिनों में अपनी स्किन के लिए क्या कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द सलॉन एंड ब्यूटी पार्लर्स एंड कॉस्मेटिक शॉप्स आर क्लोज्ड. तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी स्किन हेल्दी रहे, हमारी स्किन पे कोई प्रॉब्लम्स ना आए, हम एक हेल्दी रूटीन मेंटेन कर सकें. सो लेट स्टार्ट विद द स्किन. So the very first thing, scrubbing is very important for skin. As you know कि scrub करने से हमारी जो skin की first layer होती है वो उतर जाती है और अंदर से जो दूसरी skin है वो आती है. तो अब हमारे पास scrub तो है नहीं, because कोई भी shops खुली नहीं हैं और हमारे salon और beauty parlors भी बंद हैं. तो अब हम क्या कर सकते हैं? So guys, you don't worry, we can use a coffee and a sugar mixture. कॉफ़ी और शुगर दोनों को आप मिक्स करें, उसमें दो या तीन ड्रॉप्स लेमन जूस की डालें
और आप उसको एज ए स्क्रब अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो लेमन जूस इज ओके। क्योंकि स्क्रबिंग हमें 10 डेज में और या वीक में एक बार ज़रूर करनी चाहिए, अपनी डेड लेयर को रिमूव करना और उसके बाद उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करना। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉइस्चराइजिंग। सो वी डोंट हैव अ गुड मॉइस्चराइजर एट होम, हमारे पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो अब हम क्या करें। सो वी कैन यूज़ अ एलोवेरा प्लांट, उसका जो जेल निकाल के उसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारी स्किन पे। वी कैन यूज़ अ बादाम रोगन ऑयल टू अवर स्किन, वो बहुत मतलब अच्छा और एक ग्लोई इफेक्ट देता है आपकी स्किन को। एंड अनदर इज फेशियल्स तो हैं, चलो ये सारे प्रोसेस फेशियल्स में ही आते हैं। इसके बाद आता है फेस पैक। सो फेस पैक के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी हैव अलॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग इन आवर किचन, लाइक वी हैव ग्राम फ्लोर एंड वी हैव राइस फ्लोर एंड वी हैव कर्ड एंड वी हैव टर्मरिक। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जितनी ड्राई करने वाली चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप बेसन लें, उसमें आप टर्मरिक डालें, अ पिंच ऑफ कर्ड और अ पिंच 2-3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डालें, उसको आप यूज़ कर सकते हैं ऑयली स्किन पे। अगर आपकी स्किन ड्राई है, हेलो हरप्रीत मैम, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग गुड। सो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसके बीच में शहद डाल सकते हो, सो दैट कि आप वो जो बेसन है वो ओवर ड्राई मत ना करे आपकी स्किन को। और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप कर्ड, हनी और लेमन जूस तीनों डाल सकते हो। गॉट इट? सो उससे क्या है, बहुत अच्छा रनी फेस पैक बन जाएगा। अगर आप वीक में 2 टाइम्स भी लगाओगे आपकी स्किन पे सीरियसली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मतलब मैं तो ये डेफिनेटली ट्राई करती हूँ और आप लोगों को भी करने चाहिए। तो मतलब हमारे पास बाकी अगर आप कुछ जानना चाहते हो, मतलब ऐसी किचन में बहुत चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सारी हमारी जो स्किन केयर प्रॉब्लम्स हैं उसका जो हल है वो हमारी किचन में होता है। सो वी कैन यूज़ दैट। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको डार्कनेस की प्रॉब्लम है, तो यू कैन यूज़ लेमन जूस फॉर योर स्किन, बिकॉज लेमन जूस हैज़ अ एंटी हैज़ अ लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़। सो आपकी अगर पिगमेंटेशन है या स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। यू हैव पोटैटो इन द किचन, पोटैटो जूस निकालो, उसको यूज़ कर सकते हो। हाय एवरीवन। सो जस्ट अ सेकेंड। सो आप पोटैटो जूस यूज़ कर सकते हो, आप लेमन यूज़ कर सकते हो। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि देखो ये सारी चीज़ें हो गई कि हम एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब बेसिक थिंग इज़ कि अगर आपकी स्किन पोर्स के लिए विल डेफिनेटली यू विल वेट, आई विल टेल यू। सो अगर आपकी स्किन पे अगर हम ये सारी चीज़ें होगी एक्सटर्नली, अब हमारी जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी का मिरर होता है। मतलब अगर हम अच्छा नहीं खाते या हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे फेस पे डेफिनेटली दिखेगा। तो अगर जैसे एंटी एजिंग की बात कर लो, पिगमेंटेशन की बात कर लो, एक्नेस की बात कर लो, इट मींस आपकी स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये बाहर निकल के आ रहे हैं। सो द बेस्ट वे इज़ आप बिल्कुल हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट्स की इनटेक बढ़ाओ अपनी स्किन में, अपनी डाइट में। और इसके अलावा 11 से लेके 12 ग्लास पानी आप डेली पी सकते हो, और ये ज़रूरी होते हैं हर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आपको ये 10 से 12 ग्लास पानी दिन में पीने चाहिए। मेक श्योर आप दिन में 1 या 2 बार ग्रीन टी ज़रूर लें, बिकॉज इसमें ये डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करती है आपकी स्किन को। विटामिन सी इज़ अनदर वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर स्किन। मतलब आई पर्सनली ट्राई कि विटामिन सी के बिना मैं नहीं रह सकती, मैं डेली में मेरी एक डोज विटामिन सी की होती है, आइदर आई हैव ऑरेंजेस, आंवला जूस और विटामिन सी सप्लीमेंट। तो विटामिन सी अगर आप लेते हो तो आपकी स्किन बहुत अच्छा वर्क करती है, आपकी स्किन पे कोई पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। एंड ट्रस्ट मी, आई एम यूजिंग दिस रेमेडीज फ्रॉम ईयर्स टू ईयर्स।
और शुरू से ही मेरी हैबिट है कि मैं ये तीन चार चीज़ें ज़रूर यूज़ करती हूँ, विटामिन सी हो गया, सनब्लॉक हो गया। तो अगेन सनब्लॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हमारी हमारी फेस के लिए, बिकॉज़ अगर हम सनब्लॉक नहीं यूज़ करते तो हमारी स्किन में, हमारी फेस पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फ्रेकल्स बोलते हैं। वो वाले जो ब्लैक ब्लैक वो होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, वो आगे जाके पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं। सो स्किन के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन रोज़ लगाओ डेली, और 3 बार लगाओ दिन में, सुबह 9 बजे, फिर उसके बाद 12 बजे, और फिर 3 बजे। मतलब इवन मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलती बिना सनस्क्रीन के, और ये मेरा रूटीन है। चाहे मुझे कितनी इमरजेंसी में जाना हो, मैं अपना सनस्क्रीन अपने बैग में लेके जाती हूँ और उसके बिना बाहर नहीं निकलती। तो ये मेरा एक पेट रूटीन है। सो अगर आप भी चाहते हो आपकी स्किन थोड़ी सी ग्लोई लगे, आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो, सो मेक श्योर आप 5 से 6 ये अपने टिप्स, अपने हेल्दी हैबिट्स बनाएं जो आप रोज़ फॉलो करें, रोज़ डेली। SPF, हाई शिल्पा, हाउ आर यू? आप SPF 50 का यूज़ कर सकते हैं, नॉट लेस देन, बिकॉज इंडियन वेदर के अकॉर्डिंगली SPF 50 से कम लोग हमें हमें फ़ायदा ही नहीं करेगा। सो SPF 50 आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर स्किन। इसमें आप, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन यू कैन गो फॉर अ ऑयल बेस सनस्क्रीन। इसके अलावा स्प्रे की फॉर्म में अ वाइड रेंज ऑफ सनस्क्रीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक्चुअली आई थिंक मैम इंस्टा इज़ नॉट वर्किंग। सो ये बात हुई सन ब्लॉक की। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो प्रॉब्लम, स्किन पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आपको ये हैबिट है कि आप रात को 2 बजे सोते हो और सुबह 12 बजे उठते हो, तो आप कितनी मर्जी पीलिंग करा लें, लेज़र करा लें, कोई भी चीज़ कर लें, आपकी स्किन पे कभी ग्लो नहीं आएगा। बिकॉज हमारा जो स्लीप पैटर्न होता है वो रात के 10 बजे से सुबह 7 बजे तक होता है, उस टाइम पे ब्यूटी स्लीप जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आप कितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आने वाला। सो इसको एक रूटीन बनाएं कि आप रात को 10 बजे अपना फ़ोन साइड में रख दें और सुबह 7 बजे से पहले फ़ोन को हाथ ना लगाएं। इससे आपको क्या ब्यूटी स्लीप मिलेगी, टेंशन फ्री सोओगे तो अगले दिन फ्रेश उठोगे और आपकी जो स्किन है वो बहुत हेल्दी ग्लो करेगी। इसके अलावा आजकल डार्क सर्कल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स की सबको। उसका सबसे बड़ा कारण है हम फ़ोन्स यूज़ करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ फ़ोन। हम सारा दिन ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, फेसबुक, इंस्टा, सो उसकी वजह से डार्क सर्कल्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, लेकिन मैं अभी वो चीज़ें बताऊँगी जो हम क्वारंटाइन में अपने घर पर कर सकते हैं। तो एक कुकम्बर लो, उसको क्रश करो, उसको क्रश करके फ्रीज़र में आइस ट्रे में फ्रीज़ कर दो। उसके जो आइस क्यूब्स बनेंगे उसको आप रब कर सकते हो। वो किसी ने अभी मेरे से पूछा था ओपन पोर्स के लिए, तो वो ओपन पोर्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा और आपके डार्क सर्कल्स को भी बहुत कम करेगा। सो यू कैन यूज़ कुकम्बर जूस फॉर योर डार्क सर्कल्स। इसके अलावा आप जो वो पीते हो, ग्रीन टी पीते हो, उसके आइस बैग्स रख सकते हो। उसको फ्रीज़ कर लो या फ्रिज में रख दो। आई पर्सनली यूज़ दिस, उसको निकाल के वो आप आइस पे रख के यूज़ कर सकते हो। हाय हनी, हाय जसलीन, गुड टू सी यू लाइव। सो ये हो गए आपके डार्क सर्कल्स के लिए। इसके अलावा अगर किसी को पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी को फेस बहुत पिगमेंटेड है, तो आप उसके लिए विटामिन सी के सप्लीमेंट्स आते हैं आजकल मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको एक टैबलेट मिलती है, उसको डिजॉल्व करना होता है आपने पानी में, एक ग्लास ऑफ वाटर। उससे आपके दिन के विटामिन डी सी की डोज कंप्लीट हो जाती है, और एक तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी जो आपको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी काम करेगी, और एक उससे आपकी जो स्किन पे बहुत ग्लो आएगा। सो आजकल सबको क्या चाहिए, ग्लोई स्किन चाहिए, सबको क्या चाहिए, फेयर स्किन चाहिए। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए फ़ोन को साइड में रखना पड़ेगा, और उसके लिए अपने किचन में जाना पड़ेगा। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा अगर किसी को कुछ और जानना है, आई थिंक आई एम क्लियर ऑल द टॉपिक जो जो आपने पूछे हैं. सो अगर किसी की और क्वेरी है रिगार्डिंग फेस, एंड द अनदर थिंग कि अगर आप फेस पे कुछ भी कभी भी मत यूज़ करें, अगर आपको नीड है तो आप यूज़ करें. सबसे पहले ये चेक करें कि आपकी स्किन कौन सी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इसके बिना आप कुछ भी फेस पे नहीं लगा सकते. देखो, जिनका टी जोन ऑयली रहता है उनकी होती है कम्बिनेशन स्किन. हाय महक, उनकी कम्बिनेशन स्किन होती है जिनका टी जोन होता है, जिनके पूरे फेस पे ऑयल रहता है और सुबह उठने के बाद पूरा फेस ऑयली होता है, उनकी पूरी कम्प्लीटली ऑयली स्किन होती है. जिनकी स्किन पे कोई ऑयल नहीं होता और थोड़ी देर के बाद जलने लग जाती है स्किन, उनकी स्किन ड्राई स्किन होती है, जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है. तो ऐसे करके पहले आप अपनी स्किन को एनालाइज करें और फिर उसके बाद उस पर जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो कर सकते हैं. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं और बताना चाहूँगी कि आप एस डी गुरविंदर मैम टैबलेट नेम, एक्चुअली वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ विटामिन सी टैबलेट्स इन द मार्केट्स. सो आप कुछ भी ले सकते हो, उनमें से बहुत सारी चीज़ें आती हैं. लेकिन ये पूछ के लोगे कितनी डोज लेनी है, एक लिमसी नाम की टैबलेट भी आती है लेकिन वो उतनी रिक्वायर्ड डोज नहीं होती जितनी आपको इस एज में चाहिए होती है. तो आजकल बहुत सारे ब्रांड्स ने चिक्स न्यूट्री के नाम से और एलिजा विटामिन सी के नाम से बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं. आप उनको एक टैबलेट को, बल्कि वो बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं, वो यूज़ कर सकते हो. आई हैव गॉट स्पॉट्स ऑन माई फेस नाउ एंड ओके. सो यू कैन ट्राई विटामिन सी ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो ट्राई सिनेमन पाउडर ऑन योर फेस, यू कैन ऑल्सो ट्राई बेसन विद हल्दी ऑन योर फेस. और मेरे ख्याल से विटामिन सी से सारे स्पॉट्स क्लियर हो जाते हैं. विटामिन सी का सीरम बहुत अच्छा आ रहा है आजकल मार्केट में, जो 1000 से लेके 1000. सो विटामिन सी आपको मैं अभी आंसर देती हूँ. गुरिंदर कौर रंधावा विल लेट यू नो सून, मैंने पढ़ लिया आपकी क्वेरी. सो विटामिन सी सीरम, देर अ वाइड रेंज ऑफ विटामिन सी सीरम फ्रॉम 1000 to 5000. तो उसमें आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो. वी हैव अ लॉट्स ऑफ ब्रांड, वी हैव क्लिनिक, वी हैव मेडिकेटेड ब्रांड्स. सो उससे क्या होगा कि अगर आप, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, विटामिन सी सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है. उसको सबसे पहले शावर लेने के बाद मॉर्निंग में सबसे पहले उसको लें हाथ में एंड जस्ट प्रेस इट ऑन योर फेस. उसको ऐसे ऐसे नहीं करना आपने, उसको सिर्फ प्रेस करना है, उसको स्किन के अंदर पुश करना है. और उससे आपको सीरियसली आपके जो फेस के जितने भी ब्राउन स्पॉट्स होंगे या जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो उससे ठीक हो जाएगी. हाँ, एक्ने में भी यूज़ कर सकते हैं. पवनदीप बत्रा, विटामिन सी, नो, विटामिन सी सीरम डजेंट कॉज एक्ने. आप उसको कैसे अप्लाई करते हो ये इम्पॉर्टेंट है, आप कौन से मॉइस्चराइजर के साथ लगा रहे हो ये इम्पॉर्टेंट है, उससे एक्ने नहीं होते. एक्चुअली आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद एक्ने. सो विटामिन सी सीरम इज़ वेरी गुड फॉर एक्ने, विटामिन सी सीरम एंड SPF इन एक्ने. और इन एक्ने यू कैन यूज़ अ सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश, या एनी फॉर्म फेस वॉश विथ सैलिसिलिक एसिड. इसके अलावा एक्ने पे कुछ भी काम नहीं करेगा. यू कैन ऑल्सो टेक अ गोल्डन मिल्क या फिर टर्मरिक मिल्क इन योर डाइट और इन द नाइट. सो एक्ने की बात हो गई, पिगमेंटेशन की हो गई, विटामिन सी सीरम. आई एम नॉट पर्सनली स्टिकिंग टू वन ब्रांड. आप कुछ भी ले सकते हो जो आपके वहाँ पास में अवेलेबल है. अगर अभी नहीं है तो रुक जाओ. यू कैन ईट ऑरेंजेस, यू कैन ट्राई आंवला. अबाउट ग्लोइंग स्किन, आई थिंक ग्लोइंग स्किन, आपकी जो स्किन होती है वो आपकी बॉडी का मिरर होता है. सो अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है तो स्किन पे ग्लो कभी भी नहीं आएगा. सो फर्स्ट डू एक्सरसाइज, ईट हेल्दी, ईट राइट, सो दैट आपकी स्किन पे ग्लो आए. अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपकी स्किन पे डेफिनेटली बहुत बहुत ग्लो रहता है. सो पर्सनली मैं बिना वर्कआउट के नहीं रहती, मैं विटामिन सी सीरम के बिना नहीं रहती, मैं SPF लगाए बिना घर से बाहर नहीं जाती. एंड आई ट्राई टू ड्रिंक 12 ग्लास ऑफ वाटर डेली. आई एम डिटॉक्सिंग माई सेल्फ वंस इन अ वीक. सो अगर ये सारी चीज़ें करोगे, आई डोंट थिंक सो आपको फेशियल की ज़रूरत है. बाकी हाँ, एज ए सैलून ऑनर आई रेकमेंड कि उन लोगों को ज़्यादा पता होता है. सो यू हैव टू टेक अ फेशियल इन 15 डेज और इन अ मंथ. पर जो लोग नहीं ले सकते वो घर पे कर सकते हैं.
Pankaj, I am suffering from lip cracks. Yeah, you can also applying a good lip scrub. सबसे पहले आपको लिप्स लिप्स में अगर प्रॉब्लम है तो पहले लिप स्क्रब यूज़ करना पड़ेगा. उसमें आप हनी और शुगर उसको मिला के और उसमें बादाम रोगन मिला के लगा सकते हो, और उसके बाद वेसलिन जेली या कोई भी अच्छा गुड ब्रांड का लिप बाम यूज़ कर सकते हो. वॉट टू डू विद वाइट हेड्स? वाइट हेड्स मतलब आपकी जो आपके जो एक्ने की क्रॉप स्टार्ट हो चुकी है करुणा, इफ़ यू हैव अ वाइट हेड्स. सो बेसिकली आपको सबसे पहले तो SPF यूज़ करना पड़ेगा. इनको छेड़े ना, यूज़ अ सैलिसिलिक बेसिड और ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश. आप ऑयली जितने भी ये ऑयल वाले फेस वॉश हैं उनको छोड़ दो, ट्राई अ फॉर्म बेस्ड फेस वॉश सो दैट आपकी जो स्किन पे वाइट हेड्स हैं वो निकल जाएं. और ब्लैक हेड्स के लिए भी यही होता है. ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम सैलून में जाके हम कहीं कहते हैं हमारे वाइट हेड्स निकाल दो, ये सबसे बड़ी गलती होती है. इससे आपकी स्किन पे पैचेस पड़ जाएंगे जो बिल्कुल कभी भी ठीक नहीं होंगे. हाय पूजा, मिथुन वर्मा, हाय हाय नवजोत बराद. सो स्किन का टॉपिक आई थिंक बहुत हो गया. लेट्स मूव इन टू मेकअप विच इज़ माई फेवरेट 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 टॉपिक. सो गर्ल्स, आज आप मेकअप के बारे में जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, रिगार्डिंग कैसे मेकअप करें, कौन सा फाउंडेशन यूज़ करें, विच ब्लशर, कुछ भी जो बेस्ट है वो पूछ सकते हो. तो मैं आज आपको बताऊंगी बिगनर्स के साथ कि मेकअप में कई लोग कहते हैं कि बहुत सारी प्लीज़ टेल ट्यूब्स फॉर पिगमेंटेशन. एक्चुअली आई एम नॉट रिकमेंडेड एनी ट्यूब, आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ़ यू हैव पिगमेंटेशन ट्राई विटामिन सी सीरम इन द मॉर्निंग और विटामिन ए सीरम इन द नाइट. विटामिन ए में रेटिनॉल होता है जो आपकी स्किन को यंग रखता है और आपकी फेस से जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको निकालता है. क्लीन एंड केयर इज अ गुड फेस वॉश, लेकिन अगर आपको एक्ने है तो आप ये सोचो ना कि एक्ने में आपको सैलिसिलिक आपको मेडिकेटेड फेस वॉश जाएगा. क्लीन एंड क्लियर से आई डोंट थिंक सो कुछ होगा. इफ़ यू हैव अ माइल्ड एक्ने देन गो फॉर अ क्लीन एंड क्लियर, इफ़ यू हैव अ सीवियर एक्ने देन गो विद अ सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश. हाय पूजा, हाउ आर यू, विच फाउंडेशन बेस्ट फॉर कॉम्बिनेशन स्किन? या इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कितनी रेंज तक जाना चाहते हो. अगर आप ड्रग स्टोर में जाना चाहते हो तो मैबलिन हैज अ गुड ऑप्शन, और अगर आप थोड़ी हाई रेंज में जाना चाहते हो देन वी हैव अ मैक, देन वी हैव अ एस्टी लॉडर, देन वी हैव अ मेकअप स्टूडियो फॉर एवर, लॉट्स ऑफ ऑप्शन. लेकिन आपको फाउंडेशन वो चूज़ करनी है जो आपके स्किन टोन को सूट करती है. मोस्ट ऑफ मेरे पास जितनी भी क्लासेस में बच्चे आते हैं वो सब ये बोलते हैं कि मैम हम फाउंडेशन बिल्कुल सही लगाते हैं, महंगी वाले लगाते हैं, लेकिन फिर भी फेस ख़राब हो जाता है, काला लगता है. तो उसके पीछे ये होता है कि आप प्रॉपरली स्किन को प्रेप नहीं करते बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन. ना तो आप स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, ना आप अच्छा प्राइमर लगाते हैं, और ना ही आप अपनी स्किन पे अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं. तो वो जो फाउंडेशन होता है वो आपकी कलर का नहीं होता. तो थोड़े टाइम के बाद क्रैक्स आ जाते हैं, पूरी स्किन काली लगनी शुरू हो जाती है. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आप फाउंडेशन जो खरीदें वो अपनी स्किन टोन का खरीदें. और उससे पहले आप अगर आप ड्यूई, आजकल सबको क्या चाहिए, ड्यूई लुक चाहिए, तो उसके लिए यू हैव टू मिक्स योर मॉइस्चराइज़र और मतलब अपनी पूरी स्किन को प्रेप करना है. पहले आपने उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, प्राइम करना है, देन यू हैव टू अप्लाई योर फाउंडेशन. आई प्रॉमिस यू कि इवनिंग तक रात तक भी आपका फाउंडेशन नहीं जाएगा. हमारे जितने मेकअप्स होते हैं उसमें रात तक भी वो फाउंडेशन नहीं जाता है, खुद उतारते हैं क्लाइंट्स. प्लीज़ टेल मी अ गुड फेस वॉश नेम. आई डोंट नो दीप विच इज़ योर स्किन टाइप, सो अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, नॉट सो हार्श. आई लैशेज कौन सी यूज़ करनी चाहिए? पूजा, हाय पूजा, वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ आई लैशेज, लेकिन आई थिंक सो आपको नेचुरल लैशेज यूज़ करनी चाहिए, नॉट दैट द ड्रामेटिक वन, वो बहुत ड्रामेटिक लगती हैं. सो प्लास्टिक वाली, वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल लैशेज, वो यूज़ करनी चाहिए. अनदर टिप इन द मेकअप कि लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होगी मेकअप की, सो हम मेकअप बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी तो हम मेकअप कर पाएंगे. लेकिन बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट हमें सारी फाउंडेशंस और हमें बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, बिकॉज वी आर डूइंग
बिजनेस इन मेकअप, लेकिन फॉर अ बिगनर और फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, फॉर अ नॉर्मल गर्ल, आपको सिर्फ एक फाउंडेशन चाहिए जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली सूट करती हो, एक आपको लिपस्टिक चाहिए, एक कोहल चाहिए, एक मस्कारा चाहिए. आई थिंक दैट इज़ सफिशेंट. इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो. यू कैन यूज़ योर लिपस्टिक एज योर ब्लशर, यू कैन यूज़ योर आईब्रो फिलर एज योर कंटोरिंग स्टिक, तो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो. एंड लेस इज़ ऑलवेज मोर. मतलब मेकअप इज़ नॉट अबाउट ओवरलैपिंग कि इधर लगा लिया इतना लगा लिया. इट जस्ट अबाउट हाउ टू क्रिएट अ फ्लॉलेस लुक. सो हाय रूबी, हाय हर्षोक. कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए डार्लिंग वी हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन द मेकअप्स. एंड वी बस ट्राई करो कि कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन वाले मैट प्रोडक्ट्स यूज़ करें, बिकॉज अगर आप ड्यूई फिनिश की तरफ जाओगे, अगर आप ऐसी एच डी फाउंडेशंस लोगे, सो आपके ऑयल की वजह से वो आपके टिक नहीं पाएगी. सो गो फॉर अ मैट फाउंडेशंस. वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ मैट फाउंडेशंस ऑल्सो. वी हैव अ मैट फाउंडेशन, आई थिंक इन ड्रग स्टोर मेबलिन हैज अ गुड कवरेज इन ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन. यू कैन यूज फिट मी ब्रांड फॉर दिस. ना Another queries I'm waiting. And another thing, अगर आप मेकअप कर रहे हो, बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन. पवनदीप, बेस्ट मॉइस्चराइजर आई थिंक यू कैन यूज़ अ मॉइस्चराइजर विद अ हाइलुरोनिक एसिड, जिसमें जो कि आपका जो वाटर इनटेक है उसको अंदर रखता है, या फिर क्लिनिक का यूज़ कर सकते हैं आप मॉइस्चर सर्च. वो बहुत अच्छा काम करता है जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है. ड्राई स्किन के लिए कैसा मेकअप होना चाहिए. निधि, हाय निधि. ड्राई स्किन के लिए मेक श्योर आप अपनी स्किन को पहले बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करें, उसके बाद आप अपना मेकअप और फाउंडेशन में ऑयल इंडल्जियो की ऑयल की बहुत अच्छी वैरायटी आती है और बहुत अच्छे अच्छे ऑयल्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं फेस ऑयल्स इन योर फाउंडेशन. तो आपका ड्राई स्किन पे ना तो हार्श होगी और बहुत अच्छा मेकअप आएगा. इसके अलावा मैं एक चीज़ और बतानी चाहूँगी कि जो लोग बिगनर्स, वैसे तो एवरी गर्ल इज़ ब्यूटिफुल, लेकिन हम सबको मेकअप करना पड़ता है थोड़ा बहुत कहीं जाने के लिए. बेसिकली आई एम अ वेरी लेस मेकअप पर्सन, लेकिन अगर कहीं कभी करना पड़े तो मैं नोटिस करती हूँ लोग अपनी मतलब आईब्रोज पे ब्लैक पेंसिल यूज़ करके उसको बहुत ड्रामेटिकली उसको फिल करते हैं, विच इज़ नॉट गुड. वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. और मैं बताना चाहती हूँ सबको कि यार प्लीज़ गाइज ऐसे मत करा करो. मतलब सीरियसली आप बहुत स्वीट लगते हो, लेकिन आप आईब्रोज की वजह से बहुत ड्रामेटिक लुक ले लेते हो. सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप डार्क ब्राउन कलर के फिलर्स यूज़ करो फॉर फिलिंग योर आईब्रोज. आपकी आईब्रो का कलर कितना मर्जी डार्क ब्लैक क्यों ना हो, डोंट यूज़ अ ब्लैक कोहल, डोंट यूज़ अ ब्लैक आईब्रो पेंसिल, जस्ट यूज़ अ डार्क ब्राउन पेंसिल फॉर योर आईब्रोज. उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. मैम सैलून में पूछते हैं कौन सा फेशियल कराएं तो कौन सा अच्छा होगा फॉर नेचुरल स्किन के लिए. देखो, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन सैलून. वैसे तो जितने भी अच्छे सैलून हैं, हम लोग भी अपने सैलून में क्लाइंट की जो स्किन है वो देख के फिर एनालाइज करते हैं. अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर मेलानिन डिस्टर्ब है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली फेशियल होते हैं. किसी को ग्लो चाहिए तो ग्लो के लिए करते हैं. सो इट्स ऑल डिपेंड आप कौन से सैलून पे जा रहे हो, राइट. तो अगर आप जा रहे हो अच्छे सैलून में तो वहाँ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली फेशियल करेंगे, अच्छा फेशियल करेंगे. हाय सानिया, हाय सिमी, हाउ आर यू. सो ये हुई मेकअप की बात. अब आगे आगे जैसे विंटर समर्स आ रहे हैं, तो समर्स में हम कैसा मेकअप करें कि जो बिल्कुल भी पिघल के नीचे मतलब ख़राब ना हो जाए, आई शेड्स ना फैल जाएं. तो ट्राई टू यूज़ मैट प्रोडक्ट्स इन समर्स. लाइक मैट आई शेडो, लाइक मैट फाउंडेशंस, लाइक मैट जो कोहल्स आते हैं वो भी मैट आते हैं. जेल बेस यूज़ कर सकते हो, वो ख़राब नहीं होते. सो मैट लिपस्टिक्स यूज़ करते हो, वो ख़राब नहीं होती. ड्राई हैंड फ्रिजी हेयर के लिए सानिया, ओके. ड्राई फ्रिजी हेयर्स के लिए यू कैन यूज़ अ प्री कंडीशनर. लाइक जो आपका कंडीशनर आपकी बॉटल के साथ आता है, आपकी बॉटल के साथ जो भी आपका कंडीशनर होता है, उसको कंडीशनर को 15 to 20 मिनट्स प्रायर यूज़ करो. मतलब शैम्पू करने से पहले उसको
अच्छे से पूरे हेयर्स पे लेंथ पे लगाओ, देन उसको 15 टू 20 मिनट्स के बाद अगर आप उसको वॉश करोगे शैम्पू के साथ, एक इतना अच्छा हेल्दी वो आएगा आपके हेयर में, मतलब आपके हेयर बहुत अच्छे लगेंगे. फेशियल एंड ब्लीच फॉर समर, एक्चुअली पर्सनली आई एम नॉट ए ब्यूटिशियन बट विल लेट यू नो गाइज. फेशियल सलोन वाले को छोड़ दो, इफ़ यू आर गोइंग टू अ गुड सलोन आपको फेशियल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फेशियल्स अपने स्किन के आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली करेंगे. ब्लीच आई डिडंट एडवाइज यू, मेरे ख्याल से ब्लीच नहीं करनी चाहिए. ब्लीच करने से स्किन, आप ये सोचो ना, अगर आप अपनी इतनी सॉफ्ट स्किन पे इतना हार्श केमिकल लगाओगे तो आपकी स्किन कभी ग्लो नहीं करेगी, वो एक टेम्प्रेरी ग्लो होता है जो ब्लीच से आता है. सो आई थिंक आई सजेस्ट यू यूज़ अ विटामिन सी सीरम रादर देन अ ब्लीच, ताकि आपकी स्किन पे जो एक ग्लोई स्किन है वो बरकरार रहे. टेम्प्रेरी ग्लो इज़ नॉट गुड, सो ट्राई टू यूज़ अ विटामिन सी सीरम. Another queries, I am waiting. Guys, I am also providing online coaching classes for your makeup. So, अगर आपकी कोई भी query हो अभी आपके बाद तो आप मुझे ping कर सकते हो मेरी messenger पे. And thank you so much Parminder sir, you are watching. आपकी वजह से ये इतना अच्छा platform मिला है, so हम लोग chit chat कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ जो मुझे knowledge है. And the after shampoo we have to use conditioner again? No, it's not required. अगर आप properly अपने hair को pre conditioning कर लेते हो तो ज़रूरत नहीं है, उसके बाद dandruff होगा. वैसे भी अगर हम समर्स में अगर हम shampoo के बाद conditioner use करते हैं तो हमारे hair बहुत oily हो जाते हैं. Blusher, guys, we have a wide range of blushers also. I personally या शिल्पा वॉन्ट टू नो, ओके. सो आई पर्सनली रिकमेंड कि यूज़ अ मैट ब्लशर इन समर्स एंड यूज़ अ लिक्विड ब्लशर इन विंटर्स, मेरा तो यही फंडा है. एंड आई पर्सनली लाइक पीची स्टोन ब्लशर्स फॉर माई स्किन टोन. अगर आपकी स्किन टोन लाइट है तो यू कैन यूज़ अ पीची टू पिंक, अगर डार्क है तो यू कैन यूज़ कोरल शेड्स और यू कैन यूज़ अ लिटल ब्राउनिश ब्रॉन्जर शेड्स फॉर योर स्किन. What to do for unwanted hair? Actually, we can't do anything more for unwanted hair. It's all about your hormones. It's all about your hormonic change in your body. तो उसके लिए हम लोग उसको निकलवा सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. We have a good laser treatment nowadays. Like is black hair getting bleached? Don't get your question, Shilpa. Bleach for a 14 years old lady. Okay. So I think in 40 years you can try a protein bleach which is less chemical free, which is chemical free, and you can use which is basically a dry milk, and I think lemon juice. You can mix it and apply on your face. थैंक यू सो मच गाइज. एनी अनदर क्वेरी? सो आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके पास, बैक टू द टॉपिक, कि अगर आपके पास बहुत थोड़ी प्रोडक्ट्स हैं तभी आप अपना मेकअप बहुत अच्छे से कर सकते हो. सो फर्स्ट स्टेप इज अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करो, अच्छे से क्लीन करो, मॉइस्चराइज करो. मॉइस्चराइज लगाने के बाद इफ़ यू हैव अ ओपन पोर्स एंड अप्लाइंग अ प्राइमर, अ गुड क्वालिटी ऑफ प्राइमर, उसके बाद आप अच्छे से स्किन पे फाउंडेशन स्प्रेड करो. डोंट यूज़ अ ब्रश, जस्ट यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर, उसको आराम से स्किन में मर्ज करो. देन यूज़ अ गुड ब्लशर एंड यूज़ अ कोल पेंसिल एंड यू आर डन विद योर मेकअप. या आफ्टर ब्लीच हेयर एक बार तो ब्राउन हो जाते हैं, लेकिन आप ये सोचना कि जो हेयर ग्रोथ है वो हमारी स्किन पे है. हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव है, एक मॉस्किटो बाइट से वहाँ पे इतना बड़ा बम्प हो जाता है. तो अगर हम इतनी हार्श ब्लीच उस पर अप्लाई करते हैं तो वो देखने में तो हेयर ब्राउन करके आपको फेयरनेस देती है, लेकिन वो एक लॉन्ग टाइम यूज़ करने से ना आपकी स्किन बिल्कुल डेड हो जाएगी, कभी ग्लो नहीं आएगा. सो आई पर्सनली डिडंट रिकमेंड यू एनी ब्लीच. यू कैन यूज़ अ विटामिन सी सीरम, और इफ़ यू हैव अ डार्क हेयर ग्रोथ देन गो फॉर अ रिमूवल
लाइक हनी वेक्स एंड ऑल दीज. प्राइमर कौन सा अच्छा है? अगेन राजविंदर, हाई. वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्राइमर. लाइक आपकी स्किन कैसी है, आपको मैट प्राइमर चाहिए, आपको एक्नेस हैं या आपको कोई और प्रॉब्लम है, सो प्राइमर उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हो. आई थिंक आई पर्सनली यूज़ बेनिफिट एंड स्मैश बॉक्स, विच इज़ वेरी गुड. सो प्राइमर भी जिनकी बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हो उनको यूज़ करना चाहिए. जिनको ओपन पोर्स की नहीं प्रॉब्लम है, जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, आई डोंट थिंक सो उनको प्राइमर यूज़ करने की कोई ज़रूरत है. सो यू कैन यूज़ एनी, अगर आप ड्रग स्टोर में जाना चाहते हो तो यू कैन यूज़ अ मैबलिन और लैक्मे. या हाय अमिता, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच. अगेन गाइज, आई एम वेटिंग इफ यू हैव एनी क्वेरीज. हाँ, समवन वॉन्ट टू नो अबाउट द ओपन पोर्स. ओपन पोर्स की प्रॉब्लम गर्मी में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी बेस्ट रेमेडी होती है टेक अ आइस फेशियल. यू कैन टेक अ बॉक्स, अ बाउल, और उसमें आप बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी उसको डालो और अपने फेस को 30 सेकेंड्स के लिए उसमें डिप करो, लाइक इन एंड आउट. और उसके अलावा अगर वैसे नहीं कर सकते तो एक वाइप लो, कॉटन वाइप लो, उसको अच्छे से डिप करो और उसको डैप करो पूरे स्किन पे, लाइक दिस, इन दिस मोशन. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर ओपन पोर्स. और अगर गर्मियों में तो हर किसी को ये प्रॉब्लम होती है, तो ये यूज़ करना चाहिए. और अनदर थिंग, हमने मेकअप भी कर लिया, हमने स्किन केयर भी कर लिया, लेकिन हम एक अच्छा रूटीन मेंटेन कैसे करें? मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि आप रोज़ नहीं कर सकते. सो मैं कुछ वो टिप्स बताऊंगी. सबसे पहले तो आप अगर मेकअप करते हो, यूज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ मेकअप. वो कभी भी आपको आपकी स्किन ख़राब नहीं करेगा. मुझे बड़े सारे लोग पूछते हैं कि मेकअप करने से तो स्किन ख़राब होती है, लेकिन ऐसे नहीं होता. आप एक अच्छे ब्रांड का मेकअप यूज़ करो, आपकी स्किन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी. और यूज़ उसको रात को उतार के सो, चाहे आप घर 12 बजे आ रहे हो चाहे 2 बजे आ रहे हो. द बेस्ट ट्रिक इज़ कि उसको फेस से पूरा उतार के सो, अच्छे से वाइप आउट करके. सो आपकी स्किन पे आपका मेकअप रहना नहीं चाहिए. अगर आपकी स्किन के अंदर आपका मेकअप रह गया, वो आपको एक्ने देगा 101%. सो द की इज़ कि उसको उतार के सो और बिल्कुल स्किन को, क्योंकि रात को आपकी स्किन ब्रीद कर रही है. फिर एक अच्छा सिरम अपनी फेस पे अप्लाई करो. यू कैन अप्लाई अ बादाम रोगन ऑन योर स्किन. यू कैन अप्लाई अ विटामिन ई कैप्सूल्स आते हैं विटामिन ई के, उसको अप्लाई कर सकते हो. और सुबह उठते ही अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखो. सुबह 2 ग्लास पानी ज़रूर लो. नहीं ले सकते तो लेमन वाटर, एनी डिटॉक्स वाटर. यू कैन ऑल्सो ट्राई आंवला जूस. आंवला जूस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन. आंवला जूस ले सकते हो आप. और इसके बाद हेल्दी खाने की कोशिश करो. जो आप सारा दिन में खाओगे वो आपकी स्किन पे दिखेगा. तो मैं तो यही सोच के खाती हूँ कि ये मेरे स्किन पे दिखने वाला है. सो योर ब्रेकफास्ट शुड बी गुड, योर लंच शुड बी हाई इन प्रोटीन, एंड योर डिनर शुड बी गुड. सो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो, आई डोंट थिंक सो आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम आएगी कभी भी. हेयर सीरम यूज़ करने चाहिए. येस, डेफिनेटली हेयर सीरम, क्योंकि हम ऑयलिंग कर चुके हैं बालों की, हमने बाल धो लिए हैं, तो अब हम उसके बाद ऑयल नहीं लगा सकते. सो डेफिनेटली गो फॉर अ गुड हेयर सीरम यूज़ करने चाहिए. मैंने कौन सा आई शेडो यूज़ किया है? ओ थैंक यू राजविंदर, यू आर नोटिसिंग. एक्चुअली आई एम ट्राई फॉर एवर 52 लीना भूषण कलेक्शंस आर दी पैलेट. आई डोंट नो इट्स लुकिंग अ नॉट, बट या इट्स अ ब्यूटिफुल कलेक्शन एंड आई एम फैन ऑफ इट सीरियसली. सो एक मैंने बताया, डिटॉक्स रखो, हेल्दी डाइट खाओ, मेकअप उतारो, घर से बाहर बिना सनस्क्रीन के नहीं जाओ, मतलब बिल्कुल भी नहीं जाओ. क्योंकि अगर हम एक बार भी एक्सपोजर सन का हो जाता है, देखो सुबह सूरज उगने के बाद 2 घंटे हमें सूरज से विटामिन डी मिलता है और शाम को 2 घंटे मिलता है अस्त होने से पहले. उससे पहले आपको बीच में सारा दिन सिर्फ पिगमेंटेशन मिलती है, तो आप वो पिगमेंटेशन नहीं लेना चाहेंगे. तो सुबह उठ के विटामिन डी लो सन से, उसके बाद अप्लाई करो सनस्क्रीन. एनी सनस्क्रीन यू कैन यूज़ विद SPF 15, SPF 70. आपका धूप में ज़्यादा काम है तो आप 2 से 3 बार, वैसे तो 2 से 3 बार कंपलसरी है. अगर आप नहीं निकलते घर से बाहर, फिर भी ये बहुत ज़रूरी है लगाना.
फ्रेंकल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपने नोटिस किया होगा आपकी स्किन पे ब्राउन स्पॉट होंगे छोटे छोटे, हर किसी के होते हैं आजकल, वो सिर्फ उसी की वजह से होते हैं। लिटिल मोल्स, ओके, आई डोंट नो मच अबाउट मोल्स। सो सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है फेस के ऊपर, एंड विटामिन सी सीरम एज आई ऑल्सो सेड। एनी बेस्ट मेल सनस्क्रीन? यार सनस्क्रीन का कोई जेंडर नहीं होता, यू कैन यूज़ अ सनस्क्रीन, जो लेडीज़ यूज़ करती हैं वो जेंट्स भी यूज़ करते हैं। यूज़ अ गुड सनस्क्रीन विच SPF 50 और UV+। सो कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ अ मेडिकेटेड सनस्क्रीन विदाउट फाउंडेशन, उसमें फाउंडेशन नहीं होता, सो उसको ड्रॉप बाई यूज़ करना होता है इस एरिया में ज़्यादा और इधर, और 9 बजे सुबह, 12 बजे, 3 बजे आप यूज़ कर सकते हो। अनदर क्वेरीज, आई एम वेटिंग, मैम बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा होता है? ओके, आई थिंक कोई भी बेस्ट प्रोडक्ट नहीं होती टिल देन वो आपको जब तक फ़ायदा नहीं देना शुरू करे। जो मेरी स्किन के अकॉर्डिंगली, आई एम यूजिंग अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन विदाउट फाउंडेशन वाला। तो अगर आपका स्किन टाइप कैसा है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ऑयली ऑयल बेस वाला सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है आपको जेल बेस यूज़ करना चाहिए। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप स्किन, आपकी स्किन कैसी है, आपके मतलब फर्स्ट डिटेक्ट योर स्किन। ये नहीं है कि मेरी ऑयली स्किन है तो आप ऑयली स्किन वाला लगा सकते हैं, ऐसे नहीं होता। मार्केट में केमिस्ट के पास वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ सनस्क्रीन्स, जस्ट आपको ये बोलना है कि मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन ड्राई है, मुझे SPF 50 का सनस्क्रीन चाहिए, सो यू कैन टेक इट। हाय रुचि, हेलो प्राजिता मैम, इट्स बीन सो लॉन्ग, हाय। एनी अदर क्वेरीज? हाय रुचि। सो सनस्क्रीन आपको, लेकिन कोई भी हो आपको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मेरी जो जितनी भी ब्राइड्स होती हैं मैं उनको यही बार बार बोलती रहती हूँ कि प्लीज़ आज से सनस्क्रीन लगाना, क्योंकि ये लोगों को लगता है कि ये फालतू का काम है सनस्क्रीन लगाना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन सनस्क्रीन आपका सबसे अच्छा जो आपकी स्किन को रखता है वो सिर्फ सनस्क्रीन रखता है। सनस्क्रीन ना लगाने से सारी प्रॉब्लम्स फेस पे आती हैं, ये बात आप अपने दिमाग में बिठाओ कि अगर ये हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड है, अगर हम नहीं लगाएंगे तो स्किन में प्रॉब्लम होगी। जैसे मास्क नहीं लगाने से कोरोना फैलता है, ऐसे ही सनस्क्रीन ना लगाने से आपकी पूरी स्किन पे ब्राउन स्पॉट्स हो सकते हैं, वो ना ब्लीच से जाएंगे, ना वो फेशियल से जाएंगे, वो किसी चीज़ से नहीं जाएंगे। सो इट्स बेटर टू हैव अ गुड सनस्क्रीन, और ये बहुत लंबा चलता है, 3-4 महीने आराम से चलता है। आईलाइनर जेल या लिक्विड कौन सा अच्छा है? आई थिंक आई एम यूजिंग अ जेल आईलाइनर फ्रॉम इंग्लॉट 77 नंबर। यू कैन यूज़ अनदर लिक्विड, लेकिन उसमें मैट में हो वो यूज़ कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड आपका हाथ किस से अच्छा है। हम लोग तो ब्रश से यूज़ करते हैं, तो आई एम यूजिंग अ जेल लाइनर। अगर आप वैसे अप्लाई कर सकते हो तो आप लिक्विड भी ले सकते हो। You are looking good. Thank you so much, Pooja. I'm missing you. Thank you. So gel, it doesn't matter gel है, it doesn't matter कि आपका liquid है, matter ये करता है कि आप कैसे properly लगा सकते हो। ये ना हो आपने gel लगाया वहाँ तक फैला लिया और liquid लगाया। Advice for all women for their skin care and night care routine. Okay. So for the skin care, I think from the morning, आपको सबसे पहले shower लेने के बाद vitamin C serum लगाना है, which is most important, because हम लोग ऐसे लगाते हैं कि जो चीज़ें ज़्यादा पतली होती हैं वो पहले लगाते हैं, जो हैवी होती हैं वो बाद में लगाते हैं। So after done with your face wash, अप्लाई अ विटामिन सी सीरम, विच इज़ डेफिनेटली, मतलब मैं कहूँ एज अ मिरेकल, अगर आप बिफोर आफ्टर कर सकते हो तो उसको लगाने के बाद कर सकते हो, आपकी स्किन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो अ गुड विटामिन सी सीरम, उसको लगाएं एंड इन दिस मोशन, इन डैपिंग मोशन, जस्ट कि वो आपकी स्किन में चला जाए। एंड उसके 2-3 मिनट के बाद कोई भी गुड मॉइस्चराइज़र, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जेल बेस वाला वाटर बेस लगाएं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हाइलुरोनिक एसिड
या कुछ भी लगा सकते हो, एंड उसके बाद सनस्क्रीन। आई थिंक मेरा तो यही रूटीन है, मैं सिर्फ यही फॉलो करती हूँ। आई एम नॉट अ मच मेकअप पर्सन। और अगर आपको कहीं बहुत अच्छी जगह पे जाना है, यू कैन यूज़ अ बीबी और सीसी क्रीम। एंड उसके बाद शाम को अगर आप जब यू आर बैक फ्रॉम योर वर्क एंड यू आर यूजिंग अ लॉट्स ऑफ मेकअप और यू आर डोंट यूज़ मेकअप, तो आपको अपना फेस वाइप आउट करना है, उसको अगेन अच्छे फेस वॉश यूज़ करना है। उसके बाद आपको, अगर आप लगा सकते हो तो आपको कोई भी नाइट क्रीम, नाइट क्रीम कोशिश करें कि आपकी रेटिनॉयल बेस होनी चाहिए। अगर आपकी नाइट क्रीम रेटिनॉयल बेस नहीं है तो आप रेटिनॉयल सीरम भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें विटामिन ए होता है। अगेन विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन को हेल्दी ग्लोई रखने के लिए, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें। सो यू कैन यूज़ अ गुड विटामिन ए रेटिनल ऑयल बेस सीरम फॉर योर नाइट, एंड ऑल्सो यूज़ अ नाइट क्रीम, ऑल्सो यूज़ अ आई क्रीम अंडर आई जेल, सो दैट कि आपकी पूरी स्किन अच्छे से नरिश हो, आपके डार्क सर्कल्स, क्योंकि रात एक टाइम ऐसा होता है जब आपकी पूरी स्किन सांस लेती है, ग्लो करती है। सो दिस इज़ माई नाइट केयर रूटीन। मैं सीरम ज़रूर यूज़ करती हूँ, मैं डे केयर एंड नाइट क्रीम में मेकअप उतार के ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ अ विटामिन ई कैप्सूल्स इन नाइट एज वेल। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो 20 मिनट्स लगाने के बाद उसको वॉश कर लो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसको सारी रात लगा के रखो। यू विल फील द डिफरेंस इन योर स्किन। अगर एक बार आप लगाना शुरू कर दोगे आपको 10-15 दिन में, लेकिन बेसिकली द की इज़ कि आपको लगाना है और आपको रोज़ लगाना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आज मैंने बोला, आपने आज लगाया, फिर आपने कल देखा कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं नहीं लगा रही। ऐसे नहीं होगा। जितना टाइम कोई प्रॉब्लम को आने में लगता है, उतना ही टाइम उस प्रॉब्लम को जाने में लगता है। हाई नीतू, हाय पूनम, हाउ आर यू। सो हमें बेसिकली अगर 20 दिन लगे हैं या 2 महीने लगे हैं डार्क सर्कल्स आने में, तो हमें 2 महीने उसको जाने में भी लगेंगे। एंड अनदर एडवाइस कि अगर आप रात को 12-1 बजे सोते हो और सुबह 10-11 बजे उठते हो, तो आपके लिए सारी चीज़ें यूजलेस हैं। आपको एक हेल्दी ब्यूटी स्लीप लेनी पड़ेगी, उससे आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत हो चुका है, ये फ्री में टिप्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सो थैंक्स टू परमिंदर सर, जिनकी वजह से आप लोगों को इतने टिप्स मिल चुके हैं। एंड थैंक यू समृति मैम। बाकी मैं मिसेस पंजाब की बात करना चाहूँगी कि गाइस, ये जितना कॉन्फिडेंस है, ये जितनी स्ट्रीम्स हैं, ये जो मुझे मिली हैं, सब मिसेस पंजाब से मिली हैं। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। आई वॉज टू फैट, आई वॉज 90 kgs, एंड उसके बाद मैं मिसेस पंजाब के आने के चक्कर में आई रिड्यूस माई वेट, आई बीन टू 55 kgs। एंड वो सारा यहाँ आके जो कॉन्फिडेंस मिला है, यहाँ आके जो लोग मिले हैं, वो मतलब बता नहीं सकती मैं कि आपको इतनी नई नई, इतनी ऐसी लेडीज़ मिलती हैं, ऐसा सर्कल मिलता है, आपको आके फील होता है कि यू स्टैंड समवेयर, यू हैव समथिंग। तो ये चीज़ जब आपके अंदर आ जाती है तो आप डेफिनेटली बहुत ग्रो करते हैं। मिसेस पंजाब में आने के बाद, टाइटल होल्ड करने के बाद, आई एम स्टार्ट डूइंग माई ओन मेकअप करियर एंड ऑल। कर्ली हेयर्स के लिए कुछ नहीं कर सकते, रिबॉन्डिंग कराओ जाके, मतलब वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर कर्ली हेयर। द ओनली ऑप्शन इज़ यू कैन टेक अ गुड, गो टू अ गुड सलॉन एंड टेक अ रिबॉन्डिंग और स्मूदनिंग ट्रीटमेंट, बिकॉज कर्ली हेयर्स आपके शुरू से ही हैं, सो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। सो बैक टू द टॉपिक, थैंक यू सो मच मिसेस पंजाब टीम, मतलब आई एम सो ग्लैड आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, बिकॉज वो जितना मर्जी कह लो, वो जो कॉन्फिडेंस वहाँ से मिला है वो कहीं और से मिल नहीं सकता। एंड स्पेशल थैंक टू माई फैमिली ऑल्सो, जिन्होंने हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया। इवन आई वॉन्ट टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट, आई बिलोंग्स टू अ, माई प्रोफेशन इज़ फार्मासिस्ट एंड आई एम डूइंग मेकअप आर्टिस्ट वर्क। सो ये बहुत, जब आपकी फैमिली साथ देती है एंड ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, तो यू कैन learn many more things and you can do better and best. So I hope in future bhi hum aise hi saath rahenge. So the last thing jo meri makeup tips mein reh gayi thi ki ek to wo eyebrow pencil, you can use a light brown pencils for your brows.
कि वो आपको ब्लैक करके उसको ड्रामेटिक नहीं करना, वो बहुत बुरा लगता है. एंड यूज़ अ गुड सेटिंग स्प्रे. आपके पास कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन यू कैन यूज़ अ गुड सेटिंग स्प्रे. आपने जो भी अपने फेस पे किया है जस्ट स्प्रे करो, उसको फिक्स कर दो ताकि वो वहीं रहे, और आप अपने काम करने के बाद जब घर वापस आएँ तो उसको वाइप आउट करें. क्योंकि विदाउट अभी सेटिंग स्प्रे इतना ज़्यादा काम नहीं आता विंटर्स में जितना समर्स में काम आता है. तो यूज़ अ गुड सेटिंग स्प्रे. आई एम यूजिंग सेटिंग स्प्रे फ्रॉम मैक. यू कैन मैनी अदर ब्रांड्स कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. सो गाइज, टाइम हो चुका है मुझे आपसे बाय बाय कहने का. अगर आपको किसी को भी कोई क्वेरीज है, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न एनी टाइप ऑफ मेकअप, यू कैन पिंग मी एनी टाइम टू थ्रू मैसेंजर. सो आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वो आप मुझे भेज सकते हो. एंड अगर मौका मिला तो दोबारा मैं अपना छोटा सा जो डेली मेकअप का सेशन होगा वो लेके दोबारा आऊँगी. टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाहर नहीं जाना, एंड वेयर योर मास्क प्लीज़, बिकॉज कोरोना अगर घर लेने जाओगे तो ही घर के अंदर आएगा. सो वी हैव टू स्टे सेफ सो दैट वी डू अवर मेकअप्स. बाय, टेक